देशभर में सोमवार को जश्न ईद मिलाद उन नबी का पर्व मनाया जाएगा। ईद मिलाद उन नबी को लेकर बुरहानपुर में भी मुस्लिम समाज में उत्साह देखा जा रहा है। रविवार को ईद को लेकर समाज पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान मौलाना अहमद अशरफ, मौलाना कलीम अशरफ, पीरजादा सैयद मुस्तफ़ा अली सागर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जश्न ईद मिलाद उन नबी की याद में निकाले जाने वाले जुलूस को लेकर जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि सुबह 9 बजे से जामिया अशरफिया मदरसे से जुलूस प्रारंभ होगा, जो शहर के मुख्य चौराहों से होते हुए हिंदुस्तानी मस्जिद पहुंचेगा। जुलूस में डीजे बैंड बाजे पूरी तरह से प्रतिबंधित किए गए हैं। जुलूस की तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो चुकी है और जुलूस सुबह 9 बजे यहाँ जामिया अशरफिया लोहार मंडी रोड से निकलेगा। और इस जुलूस के अंदर हमने डीजे पे भी पाबंदी लगा दी है, किसी किस्म का ढोल बाजा, बैंड बाजा या डीजे वगैरह हरगिज़ इसमें इस्तेमाल ना किया जाए और ना कोई दिल आज़ार नारा, काबिले एतराज़ नारा लगाया जाए। हमने जो नारा है वो लिखकर प्रशासन को दे दिया है, बस वही नारा लगाया जाए। इसके अलावा जो कोई भी नारा लगाएगा वो उसका जिम्मेदार खुद होगा और शरीयत के खिलाफ कोई भी काम इसमें ना करें। ना नाचना है, ना पटाखे फोड़ना है, ना डांस करना है, ना उछलना है, ना कूदना है। इंतहाई अदब और एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हुए इस जुलूस के अंदर शिरकत करना है और झंडे भी इतने ऊंचे लाए कि उसमें सिर्फ 8 फीट की लकड़ी में ही झंडा लगा रहे, लोहे वगैरह की सलिया में ना लगा रहे और ना ऐसा झंडा लेकर शहर के अंदर घूमे फिरें, बल्कि अदब और एहतराम का ख्याल रखें। इसलिए कि हमारे बिरादरान वतन का भी त्यौहार चल रहा है, लिहाजा उसका भी लिहाज रखा जाए और किसी किस्म कोई बदनज़मी ना होने पाए।